आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। छात्र जीवन को प्रेरित करती मोटिवेशनल किताब का विमोचन। लेखक शशि भूषण की पुस्तक करेगी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। तो मुझे बुक लिखने का इंस्पिरेशन अपने आप से आया। जब मैं सोसाइटी को देखता हूँ, सब अपनी लाइफ से इतने प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लोगों को लगता है कि कुछ भी अलग इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, कुछ अलग सा करने को बोलो, तो वो अपने लाइफ से इतने परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर फ्रेंडशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो प्यार में रहते हैं, वो इसके अलावा लाइफ में कुछ अलग चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। 99% ऑफ पॉपुलेशन यही करती है, जन्म लेते हैं, फिर अपने गृहस्थी में ज़िंदगी बसाते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लाइफ का क्या यही मोटो है, मैं इस बुक में एक्सप्लेन करना चाहा हूँ। और इस बुक में बहुत इनोवेटिव वे में लिखा गया है, आपको पूरी इसमें टेक्स्टिंग नहीं लिखी है, इसमें एक डायलॉग के थ्रू या कोट्स के थ्रू समझाया गया है, जिससे आपको बुक बहुत ईजी वे में मूव होती है और एक रीडर्स को बहुत इंटरटेन करती है। रीडर कैसे इस बुक को पा सकते हैं? रीडर्स ऑनलाइन पा सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक कैमल्स, ऑल दिस ऑनलाइन शॉप्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टोर में भी हैं, क्रॉसवर्ड, यूनिवर्सल सेलर इन लखनऊ, इसके अलावा कुछ फिजिकल स्टोर में भी अवेलेबल हैं। अभी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि सभी फिजिकल स्टोर में इसको बुक को लाने का, और उसके लिए काम चल भी रहा है। लखनऊ में यहाँ अलाइव कंट्री फॉर न्यूज़ चैनल विद्रोही आनंद ने आपको सपोर्ट करके यहाँ बुक लॉन्च करवाई, क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? अलाइव न्यूज़ फोर और विद्रोही न्यूज़पेपर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि मुझे लखनऊ सर आने के बाद मुझे एक नवाब जैसा फील हुआ है, जो मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि लखनऊ नवाबों का शहर है। बट इस शहर ने और अलाइव 24 और विद्रोही आनंद ने मुझे एकदम नवाब जैसा फील कराया है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, और ख़ासकर खुर्शीद आलम ने मुझे इतनी हेल्प की, हर एक स्टेप्स पर उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मैं अपने आप को, मतलब इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल को और बेसिकली खुर्शीद आलम को, कि एवरी स्टेप में मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज उनके कारण ही मैं अपने चीफ अतिथि आनंद और जेपी सिंह और गुलाब सिंह से मैं आज मिल पाया, उनका मैं आभारी प्रकट करता हूँ और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज मेरे को आए और मेरे को प्रोत्साहित कर रहे। एक ज़माना था 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का, और आज का बहुत चेंज हो चुका है। पहले क्या है, सब लोग खेलते कूदते रहते थे और पढ़ाई उतनी नहीं रहती थी। हमारे मोहल्ले में गलियां थी, खेलते थे हम लोग, बहुत शरीर में क्या थे, चर्बी नहीं चढ़ती थी उस ज़माने में। अच्छा, पढ़ाई भी उतनी नहीं थी। आज क्या, पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, स्पोर्ट्स में लोग जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स भी जा सकते हैं। होता क्या है, बच्चा पढ़ रहा है और फिर वो थोड़ा ओबेज हो गया, अब उसका क्या होता है ना, उसका सारा ध्यान उस पर चला जाता है कि अब मैं कैसे अपने आप स्लिम करूँ, ट्रिम करूँ। जो मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, इसमें मेनली बुक का जो है, इसमें पहले आप देखें, ओनली यू अंडरस्टूड माई ड्रीम, सिर्फ तुम ही समझे मेरे सपनों को, मेरे उद्देश्य को, लव, फ्रेंडशिप एंड ड्रीम, इसमें सारे यूथ परेशान है बिल्कुल। अच्छा, फिर होता क्या, बॉडी शेमिंग होती है, बेचारे फिर अपने उसी में लगे रहते हैं, क्या करें, मैं ओबेस हो गया हूँ, मेरे फोल्ड्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई से दिमाग हटता है। तो मैं टीन्स को कहना चाहूँगा, पहले तो अपना गोल्स डिसाइड करो, गोल आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, उसको अचीव करने के लिए फोकस्ड रहो। का शरीर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, तो बीमारी हो जाए तो वैसे भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि आजकल मोटापा किसी भी उम्र में हो जाता है, जब मैं डायबिटीज डिजीज कंसल्टेंट हूँ, तो 20 साल के बच्चे में, 18 साल के बच्चे में, 25 साल, 30 साल में हो जा रहा है, डायबिटीज़ हो जा रहा है, तो वैसे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो फिट तो रहना ही चाहिए सबको, थोड़ा समय निकालना चाहिए, लेकिन लव, फ्रेंडशिप, ड्रीम जो है, उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। आप प्यार किस चीज़ से करते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्यार किसी लड़का लड़की से, लड़की लड़के से करें, अपने काम से आप प्यार कर सकते हैं, अपनी चीज़ों से प्यार कर सकते हैं, अपने परिवार से प्रेम कर सकते हैं, और आपका जो उद्देश्य है उसको तो आपको पाने की कोशिश करनी ही चाहिए, और कोई उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं होता है। ये ओनली यू अंडरस्टूड माई ड्रीम, ये किताब यहाँ लखनऊ प्रेस क्लब में लॉन्चिंग की गई है हम सभी लोगों के सहयोग से, और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक विद्यार्थी जीवन को मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकती है किताब। ये मेरी खुद की बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई किताब है, और इसकी जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं पे हमें उद्देश्य, जो हमारा ड्रीम होता है, उसकी ओर ले जाती हैं, उसकी ओर प्रेरित करते हैं।
तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी जो लखनऊ के जो यूथ्स हैं या उत्तर प्रदेश के यूथ्स हैं या इंडिया के जितने भी यूथ्स हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये किताब वो ज़रूर इसको एक बार जीवन में पढ़ें। और ये किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले, इस तरीके के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे अवेलेबल है। और ये किताब पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें जो यूथ कंफ्यूजन रहती है तमाम बातों को लेकर के, वो सारी कंफ्यूजन दूर होगी। एक्चुअली नॉट अ बुक, इट्स अ आर्ट। इसमें मैंने एक ऐसा मैसेज देने का ट्राई किया है आज के युवाओं को, या ओनली युवाओं नहीं बोल सकते, कोई सी पीढ़ी जो एक भटक चुकी है उस डायरेक्शन से, और एक डायरेक्शन ट्राई कर रही है समाज में ढूंढने का। क्या हम डेली रूटीन में अपना ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं या लाइफ इज बियॉन्ड दैट? कहीं ना कहीं लाइफ हम लोग हर दिन उठते हैं और एक हर किसी का एक सपना होता है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है।